नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानों से बड़ी खबरें देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट खबर है, तो वीडियो को पूरा देखना। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते जो कि मुंबई एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई एयरपोर्ट में डेली 50 अराइवल और 50 डिपार्चर की परमिशन अब फाइनली मिल चुकी है, यानी मुंबई से 16 जून के बाद से 100 ऑपरेशंस पर डे किए जाएंगे। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि जेट स्टार से निकलकर आ रही है। आपको बता दें जेट स्टार एक बार फिर से पैसिफिक एयरलाइंस में शामिल होने जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर जेट स्टार की तरफ से थी। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से निकलकर आ रही है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ रानुजो दत्ता ने बताया है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में जो गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है उसको हटाया जा सकता है। अगर वो हटता है तो एयरलाइंस जो अपने किराए हैं जिन पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है फिक्स है उसको कम ज्यादा कर सकेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है एयरलाइंस की बीच वाली सीट को लेकर। बता दें कि ऐसा बताया जा रहा था कि एयरलाइंस की बीच वाली सीट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और यहाँ पर फाइनली जो डिसीजन है वो आ चुका है। यहाँ पर जो एयरलाइंस है वो बीच वाली सीटों की जो बुकिंग है अब वो कर सकेंगी बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। पर यहाँ पर जितने भी DGCA के निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करना पड़ेगा ताकि कोई भी सिक्योरिटी और सेफ्टी थ्रेट ना हो सके। तो दोस्तों ये है अभी की कुछ बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।